इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना आलमी वबा के चलते ये साल आने वाले तमाम ईद त्योहारों पर पाबंदी लगाने का फैसला इंतजामिया की जानिब से लिया गया। बेलगाम शहर में न सिर्फ ईद मिलाद बल्कि नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा माता दौड़ पर भी पाबंदी ऐद की है। हर साल बेलगाम शहर और अतराफ से सैकड़ों लोग जमा होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पर। ईद मिलाद उन नबी का जुलूस बड़े ही धूमधाम से फोर्ट रोड से निकाला जाता है। इसी तरह से दशहरा भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। 9 दिन तक दुर्गा माता दौड़ की जाती है, डांडिया खेला जाता है, दशहरे का जुलूस भी निकाला जाता है, कई जगह पर दुर्गा की मूर्तियां भी लगाई जाती है। इसी तरह से ईद मिलाद का जुलूस बड़े अदब एहतराम के साथ, नात और जिक्र के साथ, नज्म जब्त का एहतमाम करते हुए मनाया जाता है। बेलगाम शहर के जुलूस में अतराफ व अतनाफ से लोग शरीक होते हैं, पर कोरोना आलमी वबा के चलते तमाम ईद त्योहारों पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया। पुलिस इंतजामिया ने तमाम मजाहिब के लोगों को बुलाकर मौजूदा हालात में बड़ी तादाद में आवाम का एक जगह पर जुड़ना किस कदर नुकसानदेह है इस पर तबादले ख्याल किया। बेलगाम शहर की सीरत कमेटी को भी बुलाकर तमाम हिदायत दिए गए। सीरत कमेटी के सदर जनाब अताउल्ला देसाई ने ये साल किसी तरह का जुलूस या इजलास नहीं होंगे, ऐसा ऐलान साफियों के जरिए किया। पुलिस ने ये भी कहा कि किसी तरह के दबाव को आयद करने की जरूरत ही नहीं है, लिहाजा हर एक को माशरे की बेहतरी के लिए काम करना। इस साल किसी तरह का जुलूस, इजलास जैसे पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है। बेलगाम शहर में ईद मिलाद के मौके पर बच्चों के तकरीरी मुकाबले, नातिया मुकाबलों का एहतमाम अक्सर मोहल्लों में किया जाता है, ताकि तारीख इस्लाम से बच्चे आशना रहे, बच्चों में दीनी जज्बा पैवस्त हो। तकरीरी नातिया मुकाबलों के बाद इन्हें इनामात से भी नवाजा जाता है ताकि दिगर बच्चों में भी शौक हो। इसी तरह तकरीबन मुस्लिम मोहल्लों में रोशनाई की जाती है, परचम लगाए जाते हैं, ईद मिलाद के दिन जुलूस निकाला जाता है। बेलगाम शहर की नामो रस्तियाँ तंजीम इदारे के जिम्मेदार पुलिस महकमा शरीक होता है। जुलूस असद खां लहरी दरगाह इहाते में अख्ताम पजीर होता है और यह बरसों से चलता आ रहा है, पर यह शायद तारीख में पहली मर्तबा होगा कि ईद मिलाद का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। रियासत की जानिब से तमाम ईद त्योहारों के लिए कोरोना आलमी वबा के तहत गाइडलाइन दी गई है, जिसके तहत किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम जिला आज भी कोरोना की जद में है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लिहाजा आलमी वबा के मद्देनजर बड़ी सादगी के साथ मनाने का ऐलान DC बेलगाम MG हिरेमठ ने किया है। हासिल इत्तला के मुताबिक आज 270 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ रामदुर्ग तिमापुर में 130 बच्चों को कोरोना हुआ है। पॉजिटिव टेस्ट पाए जाने के बाद सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। जो असातिजा विद्यागम के तहत, यानी कि जो स्कीम है विद्यागम तहत सिखाने के लिए गांव आ रहे थे, उन 6 असातिजाओं का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बच्चों को पॉजिटिव हुआ देख वालिदैन की फिक्र में इजाफा हुआ है। तदरीसी शोबे में भी खलबली मची हुई है। वाजा रहे कि बच्चों का तालीमी साल जाया न जाए, इसके लिए विद्यागम के तहत असातिजाओं को गांव जाकर बच्चों को सिखाने का हुक्म रियासत की जानिब से दिया गया था। बच्चों को एक जगह पर जमा कर इन्हें सिखाया जा रहा था, लिहाजा अब गांव वालों ने शहर से आने वाले असातिजाओं को ही बच्चों को कोरोना लगने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि कोरोना शहर से ही देहात या गाँव में आ रहा है, शहर से आने वाले असातिजाओं ने बीमारी को गांव में लाया है, ऐसा भी तिम्मापुर के गांव वालों का कहना है। तिम्मापुर में 130 बच्चों में पॉजिटिव पाए जाने से अतराफ के गांव में शहर से आने वाले टीचरों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। अब गांव देहात के बच्चों में कोरोना शहर से आने वाले टीचरों के जरिए फैल रहा है, ऐसा गांव वालों का कहना है। इसी के मद्देनजर जब भी स्कूलों को शुरू किया जाएगा तमाम असातिजाओं का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, ऐसा फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया है। जहां स्कूलों को जल्द शुरू करने का मुतालबा बार बार पेश किया जा रहा है, तो वहीं बच्चों में कोरोना पॉजिटिव के मामले ने नया मोड़ लेते हुए इस साल स्कूलों को शुरू करना है या नहीं, ऐसा सवाल भी खड़ा किया गया है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।